हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एरिस फॉर जूसी वर्ल्ड। तो चलिए हम फॉर द बटरफ्लाइज का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी जो होते हैं ना, जाओसन और वांगी वो ड्राइव करके आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, और मतलब वो सिटी से काफ़ी बाहर निकल आए हैं। और जो वो जब जाओसन के अपार्टमेंट के नीचे आते हैं, वो आउटर एरिया में होता है सिटी के। उसके बाद दोनों ना मतलब कार पार्क करते हैं, उसके बाद एलिवेटर में आते हैं। एलिवेटर में जा रहे होते हैं, जावजन ने ना अपने आप से मतलब वांगीबो ने जावजन से अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस रखा हुआ होता है। और मतलब वो सोच रहा होता है कि ये सेकंड ऐसा स्पेस है जहाँ पे वो इतना क्लोज है, एकदम छोटे से एरिया में जावजन के अंदर है, और उसके अंदर जो फीलिंग्स है ना वो अभी भी सर्च कर रही है। मतलब वो अभी भी थोड़ा सा एक्साइटेड फील कर रहा है इस क्लोजनेस के वजह से, बंद एरिया की वजह से। उसके बाद एलिवेटर से क्रॉस करते हैं, वो पहुंच जाते हैं जहाँ जिस फ्लोर में पहुंचना होता है। जैसे एलिवेटर खुलता है, वो देखता है कि वहाँ पे एक हॉलवे है बड़ा सा, और जो कि उसके मैनेजर के घर के तरफ जा रहा होता है। फिर जावजान जो होता है वो आता है, अपना जो होता है ना कार्ड से लॉक खोलता है। और जब वो खोल के दरवाजे के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं, इबो ऑब्जर्व करता है कि जो जावजन का अपार्टमेंट है, रूम है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक डेकोरेशन है, बहुत सिंपल और आर्टिस्टिक तरीके से सजाया हुआ है। और जो उसके फ्लोर हैं एकदम वाइट हैं, है ना, और मतलब जो फर्नीचर है मतलब जो होता है ब्लैक एंड ग्रे है, और वाइट सीलिंग और वाइट फ्लोर है, दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। और मतलब ये जो ग्रे और ब्लैक का कम्बिनेशन विथ वाइट ना, अलग ही ऐसा मतलब डायमेंशन वाला फीलिंग दे रहा होता है इबो को। और फिर इबो मतलब सोच रहा होता है कि शायद यहाँ से पूरा बेजिंग भी दिखेगा, क्योंकि ये इतना ऊपर है और मतलब आउटर है सिटी से बिल्कुल। जावजन जो होता है अपना जो वर्क प्लेजर होता है उसे खोलता है, और उसके जहाँ पे रखना होता है वहाँ पे रख देता है। और इबो तब तक सब देख रहा होता है, इबो सोच रहा होता है कि इतना ये रूम क्लीन है, एक डस्ट का एक स्पैक भी नहीं दिख रहा है। वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे जावजन रहता भी है कि नहीं। वो इबो मतलब सोच भी रहा होता है कि पूछ ही लूँ क्या मैं जावजन से। तभी जावजन थोड़ा सा स्माइल करता है उसको देख के, बोलता है क्या तुम बाहर से आके मतलब बाहर का व्यू देखते देखते बात करना चाहोगे। और इबो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, उसे खुद भी ऐसे इच्छा कर रहा था कि वो शायद वहाँ से पूरा सिटी देखेगा, तो इसलिए वो उस अपना आर्ज को मतलब रेजिस्ट नहीं कर पाता है, वो हाँ बोल देता है। और जैसे ही जावजन उसको लीड करके लेके जाता है दरवाज़ा खोल के बाहर टेरेस में, मतलब इबो को ऐसा फील होता है ना कि वो अलग ही मैग्नेटिक से, एक मैग्नेटिक थ्रेड से ना उसे कोई पुल कर रहा है। इतना अच्छा व्यू होता है वहाँ पे सिटी का व्यू होता ना, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि वाइट कैनवस में किसी ने उस एरिया को पेंट किया है, जहाँ से ऊपर स्काई में स्टार्स दिख रहे हैं, नीचे बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, उनमें लाइट्स दिख रहे हैं, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, होता ना इतना अच्छा मतलब वो जो लुक दिख रहा होता है, ऊपर से लाइट्स जो चमक रहे हैं बीच बीच में, वो अलग ही मतलब ऐसा होप दे रहे हैं। और इबो ऐसा फील कर रहा होता है ना कि वो उस व्यू में खो गया है। फिर वो मतलब एक चेयर में बाहर जो बैठा बनाया हुआ होता है लॉन्च वाला चेयर, वहाँ बैठते हैं, और मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट में बैठ के ना अभी भी सिटी को ऐसे घूर के देख रहे होते हैं। और बीच में कोक का दो कैन रखा हुआ होता है। और तभी इबो ना मतलब ओ फुली मतलब होता ना क्या बोले, इतना उस व्यू को देख के मेस्मराइज जाता है, और बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा स्पॉट चुना है जहाँ से पूरा बेजिंग का सिटी दिख रहा है। और जावजन स्माइल करता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे 6 साल से भी ज़्यादा हो गया रह रहा हूँ। और तभी इबो बोलता है कि क्या यहाँ पे रह के तुम्हें अच्छा फील होता है। और जावजन ना अब थोड़ा सोचने लगता है, जितना मतलब एक्सपेक्ट कर रहा होता है उससे ज़्यादा सोचता है, और सोच के ना थोड़ा सा मतलब अंडरटोन में बोलता है कि हाँ काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर रहना अच्छा लगता है, हैप्पी फील होता है। जैसे कि यहाँ पे ये व्यू इतना लैविश व्यू है, पूरा सिटी दिखता है, और सिटी के ना लाइफ दिखती है, पर सिटी के जो बजिंग है, नॉइज़ है, उससे दूर भी है। यहाँ पे रह के ना मतलब काफ़ी लोगों को पीस फील होगा, और सिटी लाइट्स भी जो होते हैं ना लोगों को काफ़ी अच्छा फील करवाते हैं देखने में। तो तभी इबो जो होता है ना खुश होता है, पर वो मतलब एक सोचता है कि कुछ तो अंडरटोन है। फिर पूछता है कि फिर इसका डाउन साइड क्या है। तभी जावजन बोलता है कि प्राइस, ये हमेशा प्राइस पे ही डिपेंड करता है, ये जो पेंट हाउस है बहुत अच्छा प्लेस है रहने के लिए, पर यहाँ पे जो रिस्क है ये है कि जितना आप सिटी से दूर रह रहे हो,
और जितना ऊपर रह रहे हो उतना ही वेदर का कंडीशन ना हार्शर हो जाता है। गर्मियों में उतनी ही गर्मी लगती है, हवा के दिन में वैसे ही हवा चलती है और ठंडी में वैसे ही ठंडी लगती है, तो वेदर कंडीशन ना थोड़ा सा हार्श हो जाता है यहाँ पे। तो इबो बोलते हैं कि हाँ सही बात है। ये जो चीज़ है, इजाज़न फिर कंटिन्यू करके बोलता है कि जब 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 सिचुएशन थोड़ा सा होता ना क्या सीवियर हो जाता है, हार्श हो जाता है, तो आदमी ये भूल जाता है कि आदमी ने इसी सिटी व्यू के लिए इस प्लेस को खरीदा था, क्योंकि वो वहीं पे बैठ नहीं पाता है रिलैक्स होके। और इबो जो होता है ना उसकी बात सुन के जो सीनरी है उसके सामने उसे देखने लगता है, वो सोच रहा होता है कि ये बियॉन्ड ब्यूटीफुल है, एक लाइव इमेज ऐसा होता है ना फील हो रहा है। और फिर वो इस चीज़ को भी इमेजिन करने लगता है कि ओवर साइज क्लॉथ पहने एक टॉल पर्सन वहाँ पे खड़ा है और जो सन को ना मतलब ऐसे सन को ऑब्जर्व कर रहा है, सनसेट देख रहा है या विंटर में विंटर को सन को होता है ना एंजॉय कर रहा है, वो सब चीज़ें ना अभी इबो इमेजिन करने लगता है कि क्योंकि इसके प्लस पॉइंट्स भी इतने ज़्यादा है ना कि जो अंडरटोन है या मतलब थोड़ा सा डाउन साइड है उसको कवर कर देता है। तो इबो ना अभी उसी चीज़ को सोच रहा होता है। इबो ना बात को चेंज करते हुए बोलता है कि कल की बात के लिए मैंने आपसे कभी अपोलोजाइज नहीं किया है, कभी जो होता है ना आपसे माफ़ी नहीं मांगी है, और मुझे मतलब बहुत एम्बेरस फील हो रहा है क्योंकि कल जो हुआ मैं डर के मारे भाग गया और मैं मतलब ये मैंने एक चिकन जैसा काम किया है, ये बहुत ही एम्बेरसिंग है और मैं सच में सॉरी फील करता हूँ। तभी जाओजन पूछता है कि कल क्या तुमने बाई चांस कोई कुछ सुना, कुछ गॉसिप सुना? तो इबो बोलते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं लगता है। तभी जाओजन बोलते हैं कि कुछ लोग ना हमारे बात से बहुत अम्यूज फील कर रहे थे। तो इबो बोलते हैं कि क्यों, क्या तुम्हारा उनको पता चल गया क्या, क्या तुम्हारे ऑफिस के सामने या छुपे हुए जगह में कोई हिडन कैमरा है? तो जाओजन बोलते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, लोग मतलब इतने ट्रांसपेरेंट हैं, समझ जाते हैं लोग आजकल। तभी इबो बोलता है कि हाँ शायद, पर तुमने नेक्स्ट डे मुझे देखने के लिए एक्सक्यूज़ क्यों बनाया? तो जाओजन जो होता है अपनी कोक को एक सिप लेता है और थोड़ा सा अपने आईब्रो को ऐसे उठा के बोलता है कि मैं बस वाटर टेस्ट कर रहा था, मतलब कि तुम्हें टेस्ट करने का कोशिश कर रहा था। तभी इबो बोलता है कि और तुम जीत गए, मैंने जो तुम्हारा बेट है वो ले लिया, मतलब कि तुमने जाल बिछाया था मैं जाल में फंस गया। तो इबो बोलता है, जावजन बोलता है कि मैं मतलब मुझे पहले से ही पता था कि तुम ज़रूर आओगे और तुमने वही किया, तुमने आया और मेरे दरवाजे को नॉक किया। तो इबो बोलता है कि पर मैं कर भी क्या सकता था, तुम मेरे मैनेजर हो और तुमने मुझे बुलाया तो मुझे जाना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं जाता तो मेरे मैनेजर और तुम मेरे को रिपोर्ट कर देते कि तुमने बुलाया और तुम्हारा सबॉर्डिनेट नहीं गया। तो जावजन जो होता है ना वो जहाँ बैठा हुआ होता है वहाँ पे बैठे बैठे थोड़ा स्ट्रेट होता है और बोलता है कि जिस मिनट तुम मेरे रूम के अंदर मेरे ऑफिस के अंदर आए मुझे उसी मिनट पता चल गया था कि ये जो है ना थ्रिलिंग होने वाला है हमारे बीच में। और बताओ तुम्हारे पास और क्या रीजंस हैं? इबो को ऐसा फील होता है ना कि अब वो कुछ बोल नहीं पाएगा, वो बिल्कुल चुप हो जाता है और वो मतलब अपने मन में सोच रहा होता है कि हाँ शायद मेरे पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। और उसके स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ने लगते हैं, मतलब फील फ्लटर करने लगता है, और वो मन में सोचता है कि हाँ शायद फॉर द मोमेंट, फॉर द बटरफ्लाइज और शायद सेक्स के लिए भी और मोस्टली तुम्हारे लिए। वो जो है ना फिर भी बोलता है कि हाँ मोस्टली मैं फूल ही हूँ, स्टुपिड हूँ, पर मैं बहुत क्यूरियस था, मैं जानना चाहता था कि तुम चाहते क्या हो, तुम क्या प्लान कर रहे हो, और मुझे पता था कि मैं जाऊँगा वहाँ पे और कुछ ट्रबल में फंसूंगा, फिर भी मैं गया। तभी जावसन बोलता है कि मुझे पता है एक चीज़, पता है ये चीज़। तो वो जो होता है ना अपने कोक को कंप्लीट फिनिश करता है और फिर बोलता है कि मैं इतना ऑब्वियस हूँ। तभी जावसन स्माइल करता है, स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ। और जो जाओजन होता है वो एकदम रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स करके ना वो अपने जो हैंड रेस्ट होता है चेयर के उसमें ऐसे हाथ को बजाते बजाते बोलता है कि और। तो इबो थोड़ा टेंस हो जाता है, पूछता है कि हाँ। तो बोलता है कि क्या तुम मुझे सबमिट करना चाहते हो? और तभी इबो बोलता है ना कि क्या बोल रहा है ये, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मुझे मतलब, इबो अपने मन में बोल रहा होता है कि क्या मुझे कोई डंगाओं में पैड बना के रखना चाहता है कैद करके, इसलिए वो डिसबिलीफ के साथ बोलता है कि क्या मतलब है। तभी जावजन होते हैं ना इबो के थोड़ा क्लोज आता है अपने सीट में बैठे बैठे ही और बोलता है कि तुम्हें पता है मैं क्या बोल रहा हूँ।
और इबो जो इबो का मतलब देख के जाओजन कंटिन्यू करता है कि इबो तुम उस टाइप के टॉप हो जो मैं चाहता हूँ, हॉट सेक्सी हैंडसम डिटरमाइंड थोड़ा सा मुडी, पर मुझे सब कुछ पसंद है, मुझे तुम्हें डोमिनेट करना है, जब तुम मुझे फक करो मुझे टॉप करो तब मुझे तुम्हें डोमिनेट करना है, और मतलब जब हम दोनों लव मेकिंग करें भले ही तुम टॉप कर रहे हो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ का कंट्रोल मेरे हाथ में रहे। इवो मतलब अभी कुछ बोलना चाहता था, मैं बोल ही रहा था तभी जाओजन ना इवो के लिप्स में हाथ रख देता है, मतलब तो उसको बोलने से रोकता है और फिर बोलता है कि मैं चाहता हूँ जब तुम मेरे साथ वो सब चीज़ें करो तो मैं तुम्हारा नाम जोर जोर से चिल्लाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम जब तुम मेरे साथ वो सब करो तो तुम मेरे कान में आके वो सारी चीज़ें वो सारे डर्टी चीज़ें बोलो जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो, क्योंकि मुझे पता है तुम उतने ही हॉर्नी हो जितना मैं हूँ। उसके बाद भी ना इबो और कुछ बोलना चाहता था, फिर भी फिर जाओजन जो होता है ना इस बार अपने फिंगर से इबो के लिप्स को प्रेस करके उतना उसे चुप करा देता है, फिर बोलता है कि मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ भी मतलब अगर किसी के साथ हूँ तो उसके बैक में किसी और के साथ ऐसा कुछ करूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जाओजन फिर से पूछता है कि क्या तुम ये सब चाहते हो, और जाओजन की आंखों में डिटर्मिनेशन देख के इवो बस एक ही आंसर देता है, हाँ। जो सब बातें वो बोलने वाला होता है ना वो सारी बातें चुप हो जाती हैं क्योंकि जाओजन ने सारी बातें क्लियर कर दी थी। अब जाओजन अपने चेयर में वापस लेन डाउन होता है, अपनी कोक का एक मतलब शिप लेता है और लेके बोलता है कि गुड। इबो ना उस समय सोच रहा था कि शायद मतलब अभी हम कुछ किस वगैरह करेंगे या कुछ प्लेफुल कुछ बातें होगा, पर कुछ नहीं होता है, मतलब जाओजन वहाँ से उठता है और अंदर चला जाता है और इबो वहीं पे फ्लस्टर्ड और एकदम इरोटिकली चार्ज वहीं पे रह जाता है। उसके बाद जो होता है ना जाओजन जो है मतलब वो लोग अंदर जाते हैं फ्रेश वगैरह होते हैं, और उस दिन इबो जाने के बाद करता है तो जाओजन उसे रोक लेता है, बोलते हैं कि नहीं रहो आज हमारे साथ, और जाते हैं वो फ्रेश वगैरह होते हैं। इबो जो है जाओजन का एक ग्रे कलर का थोड़ा सा लूज टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के अभी ना इस टाइम में जाओजन के बेड में लेटा हुआ होता है साइड में, और उसे पता है कि उनके बीच में और तभी जाओजन जो है नहा के आता है, उसने एक प्रिंटेड जो होता है ना स्लीपवेयर पहना हुआ था, काफ़ी लूज और कंफर्टेबल लग रहा था और वो इबो को ना बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था इस लुक में भी। और वो मतलब जाओजन से पूछता है कि तो क्या हम कोई सेक्स के बारे में बात भी नहीं करेंगे, तो जो जाओजन होता है बिल्कुल हाँ किडो हम कोई ये सब बातें नहीं करेंगे, और फिर मतलब इबो जो है ना वो अपने बेड में लेट जाता है और वो सोच रहा होता है कि ठीक है थोड़ा सा वेर्ड है पर कोई बात नहीं, ऐसे बेड में बैठे हुए मतलब एक दूसरे को सेक्सी कंफर्टेबल स्लीपवेयर में देख के उसे सेक्सीनेस तो जाग ही रहा है पर अलग तरीके से ना कंफर्ट भी फील कर रहा है, एक डोमेस्टिक वाला वाइब दे रहा है उसके अंदर, जैसे कि वो मैरिड कपल हैं और काफ़ी साल पुराने मैरिड कपल हैं और ये भी जो है ना इबो लाइक ही कर रहा है। फिर इबो है ना फिर पूछता है कि क्या मैं आपसे आपको गगा बुलाऊं, मतलब भैया गगा जो होता है ना गगा बुलाऊं क्या मैं आपको, तो जाओजन होता है थोड़ा स्माइल करता है और बोलता है हाँ बिल्कुल। उसके बाद जो जाओजन है अपने बालों को ड्राई करता है आके बेड में वो भी लेट जाता है, और अभी इस समय ना उसके लेटते ही मतलब तो इबो जो है ना उसको फील हो रहा था कि हवा में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल टेंशन है, फिर भी इबो मतलब पता है कि अभी कुछ बात करेंगे तो वो मतलब वो रूल हो जाएगा कि हाँ मतलब नहीं करना है, तो इबो और जाओजन वहाँ पे रूल बना लिए होते हैं कि ठीक है हम बेड में बैठेंगे और कोई सेक्स की बातें नहीं करेंगे। और जो भी है इबो मतलब अभी अपने आप को कंट्रोल तो कर रहा होता है पर उसे थोड़ा सा वियर्ड फील कर रहा होता है, स्पेशली जब उन्होंने इतना सारा स्टेमी मोमेंट साथ में बिता लिया है, और मतलब होता है ना कि उसके बाद ऐसे ऑकवर्डली बैठना बेड में कुछ बिना किए थोड़ा सा इबो को भी कंफ्यूज कर रहा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इबो और जाओजन ने अभी डिफाइन कर दिया है कि वो अपने रिलेशनशिप को ना कोई नाम नहीं देंगे, क्योंकि मतलब होता ना अभी वो इस सिचुएशन में नहीं पहुंचे हैं, वह टाइम का वेट करेंगे, इसलिए अभी जो है ना वो एक ट्रस्टेड फ्रेंड और लवर के ना बीच में कहीं लटके हुए हैं, ना तो वो फ्रेंड ही है पूरी तरह से क्योंकि फ्रेंड्स जो है वो मेकआउट नहीं करते हैं और ना ही लवर्स हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने एक लेवल नहीं दिया है अपने रिलेशनशिप को।
उसके बाद जो है ना ईवो मतलब थोड़ा इधर उधर घूम रहा होता है, सो नहीं रहा होता है, तो जाओजन जो होता है ना वो ईवो को थोड़ा खींचता है अपने कमर के पास ले आता है और उसका स्पून करके ना पकड़ के सो जाता है, मतलब पकड़ लेता है और बोलता है कि अब सो जाओ। और मतलब जाओ ईवो जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है, वो भी क्या करे, उसको कुछ ऑप्शन होता नहीं है, तो वो भी रिलैक्स होके जाओजान की बाहों में सो जाता है। उसके बाद ना वो मतलब काफ़ी समय तक सोते हैं। जब ईवो का दोबारा आँख खुलता है तो देखता है 4 बज गए हैं। वो उठता है एकदम हल्के से बिना आवाज़ किए, उठ के ना मतलब देखता है जाओजन को सोते हुए और वो जाओजन के बेड के पास फिर से दोबारा बैठ जाता है और थोड़ा समय देखता है। फिर ईवो ना जाओजन के किस में मतलब जो अपने लिप्स से जाओजन के चिक में हल्का सा किस करता है, बोलता है स्लीप टाइट। और फिर वो दोबारा एक बार पूरे रूम को देखता है और फिर वहाँ से फाइनल लुक देख के वो निकल जाता है अपार्टमेंट से। जब बाहर निकलता है अपार्टमेंट के बाहर नीचे आता है तो वो आके डोरमैन को भी हल्का सा नोट करता है, स्माइल करता है। और उसके बाद वो 50 स्टोरी बिल्डिंग जो होती है जाओजन की उसको देखता है एक बार फिर। और उसको देख के ना मतलब उसका दिमाग जो है वो फिर से उस आफ्टरनून में चला जाता है और कैसे कैसे पिछले रात को जब वो सो गए थे उसके बाद क्या हुआ, उसके दिमाग में वो घूमने लगता है। क्या होता है कि जब थोड़ा सा ईबो सो जाता है, अब उसकी आंखें लगी रही होती है ना, तभी उसे फील होता है कि जाओजान का बोनर जो है उसके कमर में टच कर रहा है। मतलब वो जाओजान भी एक्साइटेड है, ईबो तो है ही, तो ईबो तो सामने होता है बल्कि ईबो को फील नहीं हो रहा होता है। ईबो का ना जाओजान को फील नहीं हो रहा होता है, पर जाओजान का बोनर ना ईबो को फील हो रहा होता है। तभी जो ईबो ना जाओजान को टीज करते हुए बोलता है कि क्या तुम उससे फ्लर्ट कर रहे हो, तो जाओजन बोलते नहीं। तो इबो बोलता है फिर ये क्या है, तो बोलता है कि कुछ नहीं, मतलब इबो बोलता है क्या तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो, तो जाओजन बोलते हैं क्यों। तो तभी उसके जाओजन है ना बोलता है कि पास आओ मेरे, इबो बोलता है कि नहीं तुम फिर से कुछ करोगे। तो इबो जो होता है ना फिर भी उसके नहीं कुछ करोगे बोल के फिर से उसके पास चला जाता है, जाके वो जाओजन को फिर से स्पून करता है सामने की तरफ से और बोलता है कि क्या। तो जाओजन बोलता है कि कुछ करना है तुम्हें, तो ईवो मतलब कुछ नहीं बोलता है, पता है कुछ बोलेगा तभी भी जाओजन करने तो देगा नहीं। तो जाओजन बोलता है ठीक है अभी तक के लिए एक एक काम करते हैं, बोल के जाओजन जो है ईवो के मतलब ऊपर चढ़ जाता है। फिर ईवो के कमर के पास आके ईवो को होता है ना ब्लो जॉब देने लगता है। और जाओजन अभी इबो जो है वो जाओजान को याद कर रहा होता है उस मोमेंट को जब रात को उन्होंने जाओजान ने कैसे इबो को ब्लो जॉब दिया था। वो जाओजान के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा होता है, उसकी 50 स्टोरी बिल्डिंग को देख के उस चीज़ को याद कर रहा होता है। और फिर जैसे ही इबो मतलब एक्साइटेड हो जाता है जाओजान के माउथ में, बस अब ऑर्गेजम करने वाला होता ना, तभी जाओजान जो है इबो के जो मैनहुड है मैनहुड को आगे से टच करके उसको टीज करके उसको टिप को बंद कर देता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे माउथ में आना चाहते हो। तो जाओजन होता ना के टीज से ईवो ग्रॉल करने लगता है और मतलब उसे और चाहिए, वो बात करने के मूड में नहीं है। तभी जाओजन जो है फिर से ईवो के मतलब हार्ड कोर को फिर से टीज करता है, बोलता है कि मैं एक शर्त पे तुम्हें मेरे माउथ के अंदर आने दूंगा। और मतलब ईवो देख रहा होता है, तभी जाओजन बोलता है कि तुम मेरे बिना परमिशन के कम नहीं कर सकते, ऑर्गेज्म नहीं कर सकते। और ईबो पूछता है क्यों, तो जाओजन बोलता है क्योंकि मैंने बोला है जब तक मैं परमिशन नहीं दूँ तुम नहीं कम हो सकते। और हाँ एक ही चीज़ पे तुम कर सकते हो, अगर तुम इमेज कर पा रहे हो कि मैं ऑल फोर्स में तुम्हारे सामने हूँ और तुम अपने जाइंट कॉक से मुझे मतलब होता है ना फक कर रहे हो, अगर तुम ये सोच रहे हो तो अलग बात है। जो भी हो फाइनली इस गेम के टीज करते करते वो जो होता है ना जाओजन और ईबो जो है वो मतलब कर लेते हैं ऑर्गेज्म कर लेते हैं लास्ट में, काफी सारा टीजिंग वीजिंग के बाद करते हैं और ईबो उस चीज को सोच रहा होता है इमेजिन कर रहा होता है। उसके बाद वो वहां से जाता है कैब लेता है और वहां से तुरंत निकल जाता है ईबो। और मतलब वो सोच रहा होता है कि लास्ट 24 आवर्स में मेरे लाइफ में जो भी चीज़ हुआ है इन सब चीज़ों को मैं अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी इमेजिन नहीं कर पाता, इतना कुछ उनके साथ हो गया है स्पेशली ईवो के साथ। तो जो भी है फ्रेंड्स इस पार्ट को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ये पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग कर रहा है। चलो देखते हैं आगे के पार्ट में क्या होता है, आप लोग को अच्छा लगे तो बताना है ना। और मैं सोची हूँ आगे के जो पार्ट्स है ना मैं उनको ऐसे मतलब
प्रॉपर ट्रांसलेट ना करके मैं उस उनकी स्टोरी को पढ़ के थोड़ा सा खुद से भी मॉडिफाई करके बताऊं, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे सुनने में। तो नेक्स्ट पार्ट को मैं वही करने वाली हूँ उतना, क्योंकि ये जो उन्होंने आर्टिस्टिक तरीके से लिखा है ना, इसको मतलब सुनने में इतना मज़ा मुझे खुद भी नहीं आ रहा है। तो ठीक है, और जिनको अच्छा लग रहा है, जो कमेंट्स कर रहे हैं, उनको बहुत सारा थैंक्स, ठीक है। और जिनको अच्छा नहीं भी लग रहा है, यार रहना, कोई बात नहीं, आगे इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये स्टोरी तो वैसे इंटरेस्टिंग ही जा रही है, बस थोड़ा सा टीजिंग वाला है ना, तो हम सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है स्टोरी में, कुछ बढ़ तो नहीं रहा है ना, तो वो कुछ कर रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, एक जगह में है बस टीज कर रहे हैं, तो वही है। चलो ओके देन।